हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोयल जी। और फ्रेंड्स, इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम जो हमारा जो मॉडल है उस मॉडल से फ्रेंड्स किस तरीके से हम हमारे जो मॉडल है उसमें से हम हमारे डाटा को लेकर आ रहे थे, और हमारे हमने हमारे जो डाटा था उसको व्यू में हमने फेच करा लिया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम एक डाटा बेस में जो हमारे डाटा स्टोर है डाटा बेस में, तो किस तरीके से हम डाटा बेस की एंट्रीज को कोडिंग उसमें मॉडल्स में लिखते हैं। ठीक है, मॉडल्स में लिखने के बाद किस तरीके से हम मॉडल्स का यूज़ करके मॉडल्स में क्वेरीज को लिख के किस तरीके से हम डाटा बेस में से हमारे डाटा को फेच करते हैं। ठीक है, और एक टेबल की फॉर्म में आज अभी हम हमारे डाटा को निकालेंगे, जिस तरीके से जो हमारा डाटा डाटा बेस में प्रेजेंट होगा उसी वे में हम उसको व्यू में निकाल के उस डाटा को फेच करने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा जो मॉडल है उसके अंदर हम हमारे डाटा को फेच करेंगे, तो मॉडल कैसे वर्क करेगा। इस वीडियो में आप ये देखने वाले हैं कि हम कैसे डाटा को रीड करते हैं डाटा बेस में से। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो ये मैं आ चुका हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमने जो मॉडल बना रखा था टीम मॉडल नाम से मॉडल बना रखा था। ठीक है, और इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम ये कुछ डाटा थे इनको हम फेच कर रहे थे सिंपल, लेकिन अभी जो हम डाटा निकालेंगे वो डाटा बेस में से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो हमारा जो हमने जो डाटा बेस बना रखा था इसमें, तो मैं अगर आपको वो डाटाबेस वाली फाइल दिखाता हूँ एक बार। तो देखो, डाटाबेस डॉट पीएचपी में मैं गया तो हमारा जो डाटाबेस है वो मैंने होटल नाम से डाटाबेस लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन में बना रखा था। ठीक है, तो इस फाइल को भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये मैंने ये जो मेरा पीएचपी माय एडमिन है लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये ओपन हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे जब ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा होटल नाम से ये मेरा डाटाबेस यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि यूजर्स नाम से मैंने एक टेबल बना रखी है सिंपल। ठीक है, इस यूजर्स टेबल के अंदर हमने क्या है दो एंट्रीज डाल रखी है फ्रेंड। ठीक है, नेम जेंडर और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जो ये डाटा हमारा डाटाबेस में प्रेजेंट है बेसिकली इस डाटा को हम फेच करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेरी से रिलेटेड जो भी काम होगा मॉडल में होगा ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है मेरे। ठीक है, क्योंकि मॉडल का यूज हम इसलिए करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यह करने वाला हूँ, देखो ये हमारा मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम हमारे डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे क्वेरी लिख देंगे कि हमें जो ये जितनी भी ये फील्ड्स अवेलेबल है यहाँ पे नेम जेंडर मोबाइल ये डाटा हमको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ गेट, गेट हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका फंक्शन का नाम दे देते हैं हम गेट सब्जेक्ट दे देते हैं। ठीक है, गेट सब्जेक्ट में यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हमारा काम है डाटाबेस को कनेक्ट कराने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा डॉलर डी बी इज इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या देंगे कॉन्फिग। ठीक है, कॉन्फिग और डाटाबेस, क्योंकि डाटा बेस से हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाटा बेस और ये कनेक्ट, तो सिंपल ये वाली लाइन लिखते से हमारा जो डाटा बेस से ये चीज़ क्या हो जाएगी कनेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला काम होगा वो क्या होगा, हम एक वेरिएबल बना लेंगे मान लो क्वेरी करके। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ जो डॉलर डी बी है हमारा, ये हमारा पॉइंट करेगा किसको, डॉलर डी बी क्वेरी। ठीक है, तो क्वेरी, और इसके अंदर हम बेसिकली क्या देंगे फ्रेंड्स जो भी हम क्वेरी लगाएंगे वो इसके अंदर दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ सारे डाटा को फेच करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्वेरी लगा दूंगा कि सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट क्या करना है हमको फील्ड के नाम यहाँ पे देने, क्या क्या जैसे मैं चाहता हूँ सेलेक्ट नेम जेंडर और मोबाइल। ठीक है, तो मैं सिंपल दे दूंगा सेलेक्ट नेम कॉमा जेंडर कॉमा मोबाइल। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हमको देना होगा फ्रॉम, ठीक है, और हमारी टेबल का नाम, तो हमारी जो फ्रॉम किस टेबल में से हम फेच कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ हमको बतानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे जो हम फेच करने वाले हैं किस में से करने वाले हैं हम फेच करेंगे, आप देख सकते हैं हमारी जो टेबल का नाम है वो क्या है यूजर्स नाम है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यूजर्स दे दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेलेक्ट नेम जेंडर मोबाइल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा सिंपल यूजर्स, और ये हमारी क्वेरी हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हमको क्या चाहिए डाटा इसमें निकालना है, तो ठीक है, तो डॉलर क्वेरी इसको हम दे देते हैं डॉलर रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट वेरिएबल में क्या करूँगा डाटा को हमारे को
स्टोर करा लूँगा। ठीक है, तो हमारा जो ये डॉलर क्वेरी है, ठीक है, इसको सॉरी डॉलर क्वेरी, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा डाटाबेस है हमको पूरा डाटा मिल जाए। तो इसके अंदर एक मेथड होता है फ्रेंड, गेट रिजल्ट करके, ये हमें सारा डेटा दे देगा। ठीक है, तो ये इससे हमारा सारा डेटा आ चुका है हमारे किसमें, रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ अकाउंट, अगर हमारा डाटा, क्या कह रहा हूँ, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो 0 से ग्रेटर देन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब काउंट मेथड सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें देख सकते हो मैंने काउंट फंक्शन का यूज़ किया है। तो बेसिकली काउंट मेथड क्यों यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो काउंट मेथड का हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो डाटा बेस है उसके अंदर मान लीजिए 3 और 4 एंट्रीज अवेलेबल है। ठीक है, तो जो हमारा काउंट मेथड है, जैसे मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी, जो हमारे रिजल्ट है उसके अंदर तो 2 या 3 जितने भी रोज अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी, वो एक तरीके से काउंट करके बता देता है, ठीक है, कि कितनी एंट्रीज आपके डाटाबेस में हैं। ठीक है, तो काउंट फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, जैसे मेरे जो भी रिजल्ट, जो भी मेरे डाटाबेस में रिजल्ट होंगे, मान लीजिए 2 रिजल्ट है, 3 रिजल्ट है, तो अगर मेरे रिजल्ट 0 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, या मेरे जो रोज, जो भी रो की फॉर्म में हमारा डाटा स्टोर्ड है डाटाबेस में, तो वो ग्रेटर देन होगा 0 से, तो ही हम क्या चाहेंगे कि हमको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ काउंट डॉलर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 देन हमें क्या मिल जाएगा, हम रिटर्न क्या करा लेंगे, यहाँ पे डॉलर रिजल्ट को रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, सिंपल सी है, मैंने ये कंडीशन लगाई है। अगर ये मुझे नहीं मिलता है, मतलब मान लीजिए डाटाबेस में एक ही रो है, ठीक है, एक मतलब एक भी रो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 0 से ज़्यादा एक भी रो हुई तो हमें डाटा मिल जाएगा, तो हम रिटर्न क्या करा लेंगे, सिंपल फॉल्स रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इफ़ कंडीशन लगा दी और ये हमने डाटाबेस कनेक्ट कर लिया, और यहाँ से हमने क्या करा, सारा डाटा नेम जेंडर ये सारे डाटे फेच कर लिए और रिजल्ट में ले आए। तो ये सारा काम हमने डाटा मॉडल में हमको करना पड़ता है फ्रेंड। ठीक है, आप कोई भी क्वेरी रिलेटेड काम करेंगे, डाटा को फेच करना, इंसर्ट करना, वो सब हम मॉडल में करेंगे। बेसिकली हम समझाने की बात यही थी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम चलेंगे हमारे कंट्रोलर पे। ठीक है, मैं आ चुका हूँ मेरे कंट्रोलर पे। यहाँ पे देखो फ्रेंड, मैंने एक फंक्शन बना रखा है, पब्लिक फंक्शन गेट करके। ठीक है, इस फंक्शन में हम, ये तो हमारा इंडेक्स फंक्शन था, हमने एक अलग से फंक्शन बना लिया गेट फंक्शन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम मॉडल से जो डाटा को डाटाबेस से ला लेकर आ रहे हैं उसको हम चेक करते हैं यहाँ पर पहले, तो कि हमारा डाटा आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ठीक है, तो किसी भी नाम से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मैं डॉलर सब्जेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू, और हमारे मॉडल का नाम क्या है, टीम मॉडल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मेरा क्या करूँगा, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, किसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, डॉलर सब्जेक्ट, और अभी हमारा जो हमने जो ये बनाया, देखो टीम मॉडल में क्या मेथड बनाया था, गेट सब्जेक्ट नाम से। ठीक है, कंट्रोल सी, तो ये हमारा क्या करेगा, गेट सब्जेक्ट को पॉइंट आउट यहाँ पे कर लेगा। अच्छा, इससे पहले आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप कंट्रोलर बनाएंगे, आप अगर मॉडल से कनेक्टिविटी, मॉडल से डाटा कुछ कोई भी क्वेरी गेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप यूज़ एप मॉडल्स, ये लाइन आपको यहाँ पर राइट करनी पड़ेगी। ठीक है, टॉप में, तो ये हमने पिछले वीडियो में कर रखी थी, तो मैं यहाँ दोबारा मैंने करी नहीं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी ही है। इसके बाद मैंने ये फंक्शन बना दिया सिंपल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारा जो ये वेरिएबल है ये पॉइंट करता है इस मेथड को। ठीक है, ताकि हम क्या करेंगे, जो हमारा जो मॉडल में जो ये, हाँ, हमारा जो ये मेथड है इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सारा डाटा यहाँ पर ले आए। ठीक है, इस वजह से, तो ये डॉलर सब्जेक्ट से मैं हम क्या करें, सारा डाटा ले आया, इसको हम किस में स्टोर करा लेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डॉलर डाटा और एक अरे के अंदर एक नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं हम सब। ठीक है, तो सब नाम के एक वेरिएबल के अंदर मैं सारा डाटा यहाँ पर स्टोर कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं, हमारा डाटा वहाँ से पूरा आ रहा है डाटाबेस में से या नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट आर करा के चेक कर लूँगा, प्रिंट आर और डॉलर डाटा। ठीक है, तो ये अभी हम चेक कर लेंगे हमारे ब्राउज़र में चल के। इससे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, अब हम क्या चलाने वाले हैं, अभी तक हम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड को कॉल कर रहे थे। ठीक है, तो सिर्फ टीम लिखते थे तो इंडेक्स मेथड हमारा यहाँ पर क्या होता था, कॉल हो जाता था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप गेट फंक्शन को चलाना, तो सबसे पहले हमें इसको राउट्स में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं आ चुका हूँ मेरे राउट्स में। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कॉपी, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो डॉलर इसके अंदर मैं क्या जाता हूँ, टीम के बाद अगर हम क्या करें, हाँ गेट मेथड को भी कॉल करें इसे, तो हमारा क्या चलना चाहिए, टीम कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, टीम कंट्रोलर के अंदर हमको क्या चाहिए, कौन सा मेथड चलाना है, गेट मेथड, ठीक है, तो कंट्रोल एस यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, टीम के अंदर मेरा क्या है ये गेट मेथड है, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने क्या कर दी, डिफाइन कर दी। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर डिफाइन करनी है राउट्स में, ठीक है। तो अब हमारा सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं एक बार हमारा जो डाटा है डाटाबेस में जो भी ये एंट्रीज हैं ये हमारे व्यूज़ में आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, देखो लोकल होस्ट न्यू CI4, और हमारा जो कंट्रोलर है वो टीम है, और मेथड हमने कौन सा बनाया उसके अंदर गेट, हाँ वो भी एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी जो एंट्रीज हैं जो डाटाबेस में अवेलेबल है, देखो यहाँ पे आपके पास नेम आ गया, ठीक है, जेंडर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है, दोनों एंट्री जो हमारी डाटाबेस में अवेलेबल थी वो हमारे पास यहाँ पर क्या है आ चुकी है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर की थी, ठीक है, प्रिंट आउट करा के हमने यहाँ पर डाटा देख रहे थे, मतलब जो हमारा जो हमने मॉडल के अंदर डाटाबेस कनेक्ट किया, क्वेरीज लगाई, वो सब हमने क्या किया, बिल्कुल राइट किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब जो हम नेक्स्ट स्टेप इसमें करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि यहाँ तक हमने देख लिया, अब मैं चाहता हूँ कि जो थोड़ा हमारा जो ये डाटा आ रहा है, देखो यहाँ पे प्रिंट आ, मैं चाहता हूँ थोड़ा हमारा डाटा एक टेबुलर फॉर्म में आए, ठीक है, जिस तरीके से हमारा डाटा यहाँ पे स्टोर है, तो कुछ इसी तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में एक थोड़ा गुड लुकिंग डाटा इस पर हम थोड़ा फेच करके इसको यहाँ पर व्यू में दिखाएं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक थोड़ा सा व्यू बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने जो एक फाइल बना रखी थी व्यू में, किस नाम से, माय फर्स्ट नाम से, ठीक है, तो मैं आपको इस फाइल में लेके चलता हूँ, देखो माय फर्स्ट नाम से। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, देखो सिंपल कुछ CDNs लिंक्स लगा दिए बूटस्ट्रैप के, ताकि जब मैं हमारी थोड़ी टेबल क्रिएट करूँ तो थोड़ी गुड लुकिंग दिखे, ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पे किया है। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक डिव बना दी है, ठीक है, एक टेबल बनाई, टेबल का नाम मैंने क्लास दे दी टेबल टेबल स्ट्रिप्ट, इससे हमारा थोड़ा क्या होगा, जो हमारी टेबल अभी जो आपको बनकर आएगी थोड़ा मैं अभी दिखाऊंगा, देखो तो थोड़ी गुड लुकिंग लगेगी, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ यहाँ पर करी है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, जो हमारा ये डाटा है इसको हम व्यू में पास करूँगा, किसके, माय फर्स्ट वाले इस पेज के व्यू में, और डाटा को व्यू में कैसे पास करते हैं मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़ में, तो इस चीज़ में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से हम डाटा को व्यू में पास करते हैं, एक बार फिर मैं इस वीडियो में भी बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं व्यू को लोड करा लेता हूँ, ठीक है, तो इको व्यू यहाँ पे सिंपल हमारी फाइल का नाम आ जाएगा जो मैंने दे रखा है माई फर्स्ट, और इसमें मैं सिंपल क्या कहा पास करने वाला हूँ, डॉलर डाटा को पास करने वाला हूँ, ठीक है, जो भी हमारा ये डाटा आ रहा था इसको मैं इस व्यू में पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा व्यू है जिसके अंदर मैंने ID, नेम, जेंडर, मोबाइल दिखा रखा है। अभी मैं जैसे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर अभी मैं इस डाटा को, तो एक काम करते हैं अभी पास नहीं करते हैं, कंट्रोल एस, अभी मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट लिस्ट, ID, नेम, जेंडर, मोबाइल, और आप देख सकते हैं कि जो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासें हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है, तभी तो हमारा जो ये टेबल है थोड़ी एक गुड लुकिंग में आ रही है। अभी सिर्फ यहाँ पर हेडिंग शो हो रही है, आपको इसके अंदर का डाटा नहीं आया है क्योंकि वो अभी हमने फेस नहीं किया है, ठीक है, व्यू में। अभी मैं इसमें डाटा पास कर दूँ, अभी सिंपल जो हमारा जो ये व्यू है जो आप देख सकते हैं मैंने इतना सा बना रखा है, ID, नेम, जेंडर, मोबाइल, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शो हो रही है, और वो थोड़ी गुड लुकिंग शो हो रही है, ठीक है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे देखो क्लास दे रखी है टेबल टेबल स्क्रिप्ट। अगर मैं इस टेबल टेबल स्क्रिप्ट को हटा देता हूँ देखो, और अभी कंट्रोल एस करता हूँ, तो भी हमारा थोड़ा सही आएगी टेबल, तो क्यों, क्योंकि हमने क्या ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासें लोड कर रखी है, लेकिन ये एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की टेबल टेबल स्ट्रिप, इससे हमारी जो टेबल है वो थोड़ी गुड लुकिंग फॉर्मेट में आती है, ठीक है। अभी मैं अगर इसको कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ तो आपको बिल्कुल सिंपल टेबल नज़र आएगी वहाँ पर, ठीक है। सेकेंड, ये मेरा सेव नहीं हो रहा है, कंट्रोल एस, तो मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, तो 2 मिनट, बस 1 मिनट थोड़ा ये प्रोसेसिंग इसकी सही हो जाए। ओके, तो फ्रेंड देखो यहाँ पे ये फाइल हमारी सेव कर दी मैंने, अब देखो मैं अगर इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं हम एंटर,
तो देखिए अब देख सकते हैं आप, जो हम यहाँ पे हाईलाइट हो रहे थे हमारी हेडिंग, वो अब नहीं हो रही है। तो यही बेसिकली हमारी क्या थी, टेबल टेबल स्ट्रिप्ट क्लास थी। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो अभी ये क्लास हमारी क्या है, टेबल वाली प्रॉपर वर्क करेगी और हमारा जो ये है थोड़ा गुड लुकिंग अब आपको दिखेगा। जो हमारे डाटा आएंगे वो भी थोड़े गुड लुकिंग में आएंगे। तो अब फ्रेंड मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हमको सिंपल क्या करना है, टेबल की बॉडी के अंदर हमको क्या करना है, हमारे डाटा को शो कराना है, ठीक है, फेच करना है। फॉर ईच लूप लगाने वाले हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर रहे, मैंने पहले भी फॉर ईच लूप लगा चुका हूँ, ठीक है। तो अब फॉर ईच लूप लगाना है हमको, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, देखो PHP, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ फॉर ईच, ठीक है। और जो हमारा जो देखो डाटा आ रहा है ना, बेसिकली वो क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, सब, ठीक है, इस वेरिएबल का नाम क्या है, सब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यार सिंपल क्या करने वाला हूँ, देखो डॉलर सब एस, इसको मैं कर देता हूँ डॉलर एस। अब मैं सारा डाटा किस में ले आया, डॉलर एस में ले आया, ठीक है। ये यहाँ पे हम फॉर ईच लूप लगाने वाले हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं PHP, ठीक है, और इसको मैं यहाँ कर दिया मैंने क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली हमारा टेबल डाटा हमको लाना है, ठीक है। तो PHP एको, ठीक है, और इसमें हमारा देखो, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी, डॉलर एस में हमारा सारा डाटा आ चुका है, ठीक है। तो PHP एको हम क्या करा लेंगे, डॉलर एस, और देखो हमारी जो पहली फील्ड का नाम है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्या चाहते हैं, नेम चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर हम चाहते हैं और मोबाइल हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो नाम है बेसिकली हैं हमको पास करने हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सबसे पहले नेम, कंट्रोल एस, ठीक है। अभी इस लाइन को ही हम क्या कर लेते हैं, कॉपी, तो कंट्रोल सी, और इसको हम दे देते हैं यहाँ, ठीक है, ओके, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, नेम हो गया, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, एक जेंडर हो जाएगा हमारा, और एक हमने क्या देना है, देख अपन यहाँ पर देख सकते हैं, देखो पहला हमको नेम देना है रहने, दूसरा हमने जेंडर दे दिया, तीसरा हमको क्या देना है, मोबाइल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले देता हूँ, नेम, जेंडर और मोबाइल, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पे देखो हम आईडी की जगह काम करते हैं, मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, डॉलर आई इज इक्वल टू 1 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करा लेता हूँ, देखो PHP एको, यहाँ पे मैं सिंपल डॉलर आई की वैल्यू क्या करा लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, अभी ये सही रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तब भी वो आई की वैल्यू हमें मिलेगी, तो यहाँ पे हम क्या करा लेते हैं, डॉलर आई प्लस प्लस करा लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल डाटा के हमने अंदर सारी चीज़ें दिखा दी। अब देखो ये जो डाटा है, हम टेबल डाटा दिखा रहे हैं लेकिन रो के अंदर दिखाएंगे, इसलिए हमको ये सारी चीज़ें TR टैग के अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल एक्स, और ये सारी चीज़ें मैं क्या करना हूँ, टेबल रो के अंदर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। नाउ मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमने परफेक्टली कर ली है, ठीक है। अब एक बार हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एंटर, ओके। तो यहाँ पे हमको एरर शो हो रही है, तो हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करी है फ्रेंड्स। तो एक बार हम देख लेते हैं नेम, और यहाँ पे भी ठीक है, हमने डॉलर आई इक्वल टू 1 इनिशलाइज किया, यहाँ पे डॉलर आई प्लस प्लस करना है हमें, ठीक है। और ये अभी हम इसको कंट्रोल एस कर देते हैं डॉलर आई, ठीक है। अभी मैं अगर इसको यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते हैं एक बार और, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे परफेक्टली जो हमारे डाटाबेस में देखो जो एंट्रीज थी, ठीक है, राहुल नेम जो भी था वो सब हमने डाटाबेस से फेच कर लिया है फ्रेंड, ठीक है। अब हम चाहें तो ऊपर की प्रिंटर वाली लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, कंट्रोल एस। नाउ मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं थोड़ा हमारी टेबल गुड लुकिंग आपको नज़र भी आ रही होगी। तो फ्रेंड्स ये तरीका था किस तरीके से हम हमारे मॉडल्स का यूज़ करके, ठीक है, किस तरीके से हम डाटाबेस में क्वेरीज को लगाते हैं और हम डाटा बेस से फेच कर सकते हैं कोडिग्निटर 4 के अंदर। तो फ्रेंड्स जो मेरी ये जो दो वीडियोस हैं मॉडल्स के ऊपर, इनमें आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको मॉडल्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक
है, तो यहाँ पे हम MVC के बारे में प्रॉपर बात कर चुके हैं कि हमारे मॉडल्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो बेसिक पार्ट की मैं बात करूँ, जो हमारी सीरीज चल रही है, तो मैं इसमें कुछ चीज़ें और हैं बेसिक्स में, जैसे लाइब्रेरीज के बारे में अब आगे हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ 6-7 वीडियोज़ में हमारा जो बेसिक पार्ट है CI4 का वो कवर हो जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ आपको जैसे वेरिडेशंस, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको CI4 की बताता रहूँगा, ठीक है। और जब हमारा ये पूरा कोर्स वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट उठाने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोजेक्ट पे हम वर्क करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट CI4 का यूज़ करके हम बनाएंगे वो वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो टिल देन फ्रेंड्स, इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में।